चलो शांति सुनिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। एक पूरा नया टॉपिक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं सर्कल कहता हूं, सर्कल कहता हूं, सबसे पहले दिमाग में क्या चमकता है, गोला, हाँ या ना, सही बात है कि नहीं है। अगर किसी ने सर्कल बोला तो सबसे पहले दिमाग में क्या चमकता है, एक गोला, बराबर है। अगर मैं गोला कहता हूं, अगर मैं गोला कहता हूं, तो गोले के मामले में सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज अ सेंटर एंड अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस व्हिच इज नोन एज रेडियस, हाँ या ना। गलत बात है कि सही बात है, श्योर हो, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हो एक सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका सेंटर, हाँ बिल्कुल, और उसका कैलकुलेटिव पोर्शन में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहते हैं रेडियस, हाँ या ना। गलत बात है कि सही बात है, पक्का, श्योर हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ये बताओ सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, चलो पहले मीनिंग बता दो, सर्कमफेरेंस का मीनिंग क्या होता है, बताइए। मीनिंग बताना पड़ेगा यार पहले, ऐसे कैसे होगा, मीनिंग बताओ सर्कमफेरेंस, इतने सालों से पढ़ रहे हो ना, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, बोलो। पेरीमीटर, बराबर है, पेरीमीटर है ना, बाउंड्री, शर्वरी ने कहा है बाउंड्री, बिल्कुल सही बात है, गौरव ने कहा है पेरीमीटर, वो भी बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं कि तुमने यहां से शुरुआत करी होती, चक 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 चक, ऐसे वापस से तुम यहां पर आ जाते, तो जितना डिस्टेंस तुमने कवर किया था उसको तुम सर्कमफेरेंस कहते हो, जिसकी मेजरमेंट होती है 2 पाई आर, हाँ या ना। अरे गलत बात है कि सही बात है, श्योर हो, पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का बिल्कुल पक्का। सोचो सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। टोटल पूरे चैप्टर में 5 मेजर फॉर्मूले कितने हैं, कितने हैं, 5। ये 5 फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में पूरा पूरा चैप्टर खत्म करना है, ये 5 फॉर्मूले जिस बच्चे को आ गए पूरा चैप्टर उसके लिए खत्म हो गया, क्लियर है, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो पहला फॉर्मूला सभी लोग लिखेंगे, लिखो, चलो लिखो, पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, F1 क्या है, सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, हाँ या ना, अरे श्योर है कि नहीं है। इसको क्या बनाएंगे, बक्सा, बक्सा बनाएंगे भाई, बक्सा, क्लियर है, श्योर हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूं, सही बात है कि नहीं है, सोचना। सर ये देखो ये पेन है, पेन है, पेन, बराबर है, क्या है ये क्या है, पेन है, बराबर, सोचो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, देखो पूरा पूरा गोल, बराबर, श्योर हो। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता, हाँ एरिया का मतलब होता है रीजन, रीजन, जैसे सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, एरिया मतलब रीजन, रीजन मतलब सुन 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 सुन, ये देखो ये, क्लियर है क्या, हाँ रीजन, बराबर। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, अरे श्योर हो कि नहीं हो, पक्का, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, पक्का है क्या, श्योर, चलो 100, 2 फॉर्मूले रटना है, रट लोगे, क्लियर है। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना तुमको थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा पर सच्चाई ये बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, पेंसिल, बराबर, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, इमेजिन करना, इमेजिन करना, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, सर यहां से, यहां से, ध्यान दो, देखो इमेजिनरी सर्कल है पर बनाऊंगा, देखो देखो ये क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या बना, सर आपने एक इमेजिनरी सर्कल बनाया, हाँ या ना, अरे गलत बात है, सही बात है, क्या लिखा है, चेयर पे घूम के मजा आ रहा होगा, अरे मजा तो आ रहा है, सही बात है, पर इमेजिनरी सर्कल बना कि नहीं बना,
हाँ या ना? इमेजिनरी सर्कल बना, कैसे बना? सोचना में क्या बोल रहा हूँ, सोचना में क्या बोल रहा हूँ, है ना? मान लो ओ पे मैं बैठा हूं, कहां पे बैठा हूं? ओ पे, बराबर? श्योर हो? मैं क्या कर रहा हूं सर? ये आपने ऐसा पेन पकड़ा, यहां से ड्रॉ करना चालू किया, पूरा 360 घूमे तो, पूरा 360 डिग्री घूमते हो तो वापस से वहीं पे आते हैं कि नहीं आते? हाँ या ना? अरे गलत बात की सही बात है, बराबर। दूसरी बात, दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय पिज्जा? पिज्जा का मतलब क्या होता है? पिज्जा का मतलब क्या होता है? पिज्जा का मतलब क्या होता है? पिज्जा का मतलब जिंदगी? अरे जिंदगी नहीं होता पिज्जा, पिज्जा खाने के लिए होता है, मुझे पता है। पिज्जा का मतलब क्या होता है? हाँ महिमा ने बिल्कुल सही कहा सर, पिज्जा का मतलब होता है एक सेक्टर। सेक्टर मतलब, सेक्टर मतलब, सेक्टर मतलब, सेक्टर मतलब, मान लीजिए आप यहां से चालू करते, यहां से चालू करते और आप थोड़ा सा घूमे होते, थोड़ा सा घूमे होते यहां तक, बराबर। तो ये जो स्लाइस है, ये जो स्लाइस है, ये जो स्लाइस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दिस ग्रीन रीजन इज नथिंग बट इट इज नोन एज द सेक्टर। हाँ या ना? अरे श्योर हो कि नहीं हो? पक्का है कि नहीं है? पक्का पक्का बताओ, हाँ या ना? पक्का सोचिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस रेड पार्ट इज नोन एज, दिस रेड पार्ट इज नोन एज आर्क लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? दिस इज आर्क। आर्क मतलब ऐसा मोड़ना, है ना? आर्क, आर्क बराबर ऐसा मुड़ाओ। तो दिस इज नोन एज आर्क, और उसकी लेंथ को निकालना मतलब आर्क लेंथ। क्लियर है क्या? ये ग्रीन वाला रीजन क्या है सर? ग्रीन वाला रीजन क्या है? दिस इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। क्या ये सही बात है या गलत बात है? पक्का पक्का बताइए, समझा है कि नहीं समझा? श्योर हो कि नहीं हो? पक्का पक्का बताओ, क्या लिखा है? समझा? ओके ओके ओके, समझा, पक्का श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में जाएगा। सुनो सर, आप पूरा घूमे होते, पूरा यहां से घूमे होते, पूरा घूमे होते, है ना सर? सेगमेंट इज कॉल्ड आर्क लेंथ और नॉट शर्वरी सेगमेंट। बेटा ये होता है, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट, है ना? सेगमेंट और आर्क लेंथ अलग अलग चीजें है, सेगमेंट आर्क लेंथ नहीं होता। क्लियर? आर्क लेंथ मतलब एक आर्क की लेंथ, आर्क मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस का हिस्सा, आर्क मतलब सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक हिस्सा, है ना? पार्ट। क्लियर है क्या? ओके ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं सर। जब आप पूरा का पूरा सर्कल घूमे, मतलब जब आप 360 डिग्री घूमे हो, तब आपको एक पूरा सर्कमफेरेंस मिला, हाँ या ना? बट अगर आप कहते हो कि हम तो सिर्फ थीटा ही चलेंगे, अगर आप कहते हो कि आप सिर्फ थीटा चलोगे तो आपको रेड पोर्शन मिलेगा, क्या ये सही बात है? मतलब अगर मैं थीटा चलूंगा तो मुझे आर्क लेंथ मिलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ये सही बात है कि गलत बात है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने। क्या बात बोली? अगर 360 का पूरा घूमेंगे तो 2πr चलेगा, पर अगर मैंने थीटा चला, अगर मैंने थीटा चला तो वो आर्क लेंथ होगा। गलत बात है कि सही बात है? अरे सोच समझ के बताओ जल्दी जल्दी, हाँ या ना? निमेश, रुशील, सेजल, श्रेया, समझ रहा है बेटा? चिराग, क्रेश, हिमानी, वापस रिपीट करता हूं ध्यान से दो। अगर मैंने पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमा है तो मैं 2πr चलूंगा, बराबर पूरा सर्कमफेरेंस चलूंगा, बट अगर मैंने सिर्फ थीटा चला है तो वो आर्क लेंथ के बराबर होगा। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ पक्का? शर्वरी क्या हुआ बता? देख समझाता हूं, 360 डिग्री घूमेगी तो 2πr चलेगी, मतलब कैसा? जैसे ये पूरा, जैसे मान लो, मान लो
आपने यहां से शुरुआत की होती, यहां से आप घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो। देखो आप पूरा घूमना मतलब यहां से 360 डिग्री घूमना। एंगल मतलब जब आप बाहर से कन्वर्ट करते हो ऐसा, तो आप अंदर का एंगल जो है वो 360 बनाते हो। क्लियर है? अगर किसी ने बोला सर मैं तो सिर्फ आधा ही घुमा, तो आधा घुमा मतलब बीच में 180 डिग्री बनेगा। समझे क्या? श्योर हो? हाँ, अगर 360 डिग्री घूमोगे तो 2πr बनेगा। अगर आप थीटा डिग्री घूमोगे, थीटा डिग्री मतलब हमें क्या पता थीटा क्या है, 30 डिग्री हो सकता, 45 डिग्री हो सकता, 60 डिग्री हो सकता, 90 डिग्री हो सकता, 180 डिग्री हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो कितना आर्क लेंथ होगा हमें क्या पता कितना आर्क लेंथ होगा, जितना थोड़ा मतलब मान लो 90 डिग्री घुमा है ना, 90 डिग्री तो आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ कितना होगा, तो ये ऐसा क्लियर, ये आर्क लेंथ क्लियर है क्या, श्योर हो? हाँ, आर्क लेंथ कितना होगा सर, इतना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सोच समझ के बताइए। आर आर 90, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा सर, ये कुछ होगा बराबर, उसको एल बोल देते हैं है ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 360 अपॉन थीटा इक्वल टू 2πr अपॉन आर्क लेंथ, जिसको एल से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो फाइनली आपका आंसर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको आंसर मिला l इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इनटू 2πr। क्या ये चीज क्लियर है क्या, पक्का पक्का बताइए। मतलब आपको अगर आर्क लेंथ निकालनी है, एक सर्कल के हिस्सा निकालना है, अगर ऐसा दिया है और आपको किसी ने बोला सर्कल का हिस्सा निकाल के दिखाओ, तो आप उसको बोलोगे कि भैया अगर आपने बोला 60 डिग्री एंगल है ना, पूरा सर्कमफेरेंस नहीं निकालेंगे, सिर्फ कुछ हिस्सा निकालेंगे अगर ऐसा निकालने बोला, तो ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है क्या, चेक करो एक बार, समझा कि नहीं समझा, चेक करो प्लीज, समझा है या डाउट है, समझा? ओके। चलो तो ये हमारा बना तीसरा फॉर्मूला, इसको नाम दो F3। हाँ मैं पूरा लिखा के देता हूं एक बार, है ना, ध्यान से सुनो, एक बार पूरा लिखा देता हूं, शांति रहेगी फिर आपको भी। देखो ये हुआ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, यहां पे क्या लिखेंगे सर, ये हो गया r बराबर, ये हो गया एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर मुझे पूरा का पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतनी ही आर्क चाहिए, इतनी आर्क की लेंथ, तो आपको मेरे को ये थीटा बताना पड़ेगा कि थीटा कितना है। अगर आप मुझे थीटा बता दोगे तो मैं आपको आर्क लेंथ बता दूंगा कि ये अगर आर्क है तो आर्क लेंथ आर्क की कितनी लेंथ है, तो वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। क्लियर है क्या, श्योर हो क्या? और फाइनली अगर आपको निकालना है एरिया, अगर आप चाहते हो कि पिज्जा के ऊपर कितनी टॉपिंग गिरी है, तो आपको बताना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। सर सेक्टर का मतलब ये ट्रायंगल वाला जैसा पीस, ये ट्रायंगल पीस को सेक्टर कहते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? तो ये जो ट्रायंगल जैसा पीस है उसका एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज समझी आपको, प्लीज चेक करिए एक बार, समझा है कि नहीं समझा चेक करो। ये मेजरली आपके चार फॉर्मूले हैं, आज हम ये चार फॉर्मूले को ही पढ़ेंगे और इनका बेस बनाते हैं। मेजर ये चार फॉर्मूले हैं और एक और फॉर्मूला है, पर वो बाद में सिखाऊंगा। क्लियर है क्या, चेक करो एक बार, अरे जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे गुमसुम बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा, जल्दी जल्दी बताओ, समझा है कि नहीं समझा। अरे कुछ बोलोगे कि गायब हो जाओगे, भार्गव जी को तो समझा है, चलो
हाँ चलिए समझाए। ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं समझाए, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको भी थोड़ी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। हाँ चलिए ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखो, एक ये लिख लो जल्दी जल्दी, चार फॉर्मूले लिखो, और जब लिख लो तो क्लियर करना, मैं आगे उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है? लिख लो जल्दी जल्दी। लिखो भाई। हाँ लिख लो जल्दी लिख लो। चलिए आगे ध्यान से समझते हैं दोस्तों, क्या लिखना है ना, समझते हैं। रुको 1 मिनट रुकिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इफ इफ इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया आर इक्वल। क्लियर है क्या? चलो ट्राई करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल, एक रेडियस निकाल के दीजिए सर्कल का, अगर उसका सर्कमफेरेंस और उसका एरिया दोनों के दोनों एकदम बराबर बराबर है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमफेरेंस, जल्दी बोलो। चलो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर, बराबर। चलिए कौन कौन कट गया, पाई पाई से कट गया, आर आर से कट गया, तो 2 इक्वल टू आर, या फिर आर इक्वल टू 2, मतलब आर इक्वल टू 2 वो वैल्यू है आर की जिसके लिए सरकमफेरेंस और एरिया सेम होता है। क्लियर है क्या, श्योर हो क्या, पक्का पक्का बताओ, समझा है पूरा, अंडरस्टूड? ओके ओके चलो ये लिखोगे फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, और आप लोग प्लीज थम्सअप वगैरह करो कि आपको अगर लिखना हो गया तो मुझे भी क्लियर होता है ना, थम्सअप कर दिया करो। ओके चलो रुशील जी का थम्सअप आ गया है। हाँ लिख लो फिर मैं आगे करवाता हूँ। चलिए आगे चले, रुशील जी क्या कहना चाहते हो बताओ। ओके चलो आगे ध्यान देते हैं, कुछ छोटा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझेंगे। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। रेडाई, रेडाई मतलब रेडियस, रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल whose area is equal to sum of areas of two circles। क्लियर है क्या? चलो क्या लिखा है मैं समझा के देता हूं। रेडाई निकालिए सर्कल का, कौन से सर्कल का? सर जो 8 सेंटीमीटर और कुछ कुछ तो दिए, मतलब दो सर्कल आपको दिए, एक दिया है 8 सेंटीमीटर वाला और एक दिया है 6 सेंटीमीटर वाला, और आपको बोला है कि दो सर्कल से एक नया सर्कल बनाए, मतलब इनको ऐड करके एक नया सर्कल, हाँ, जिसका एरिया मतलब मान लेते हैं इसका कुछ एरिया है बराबर है, इसका कुछ एरिया है बराबर है, और इन दोनों के एडिशन का एरिया ये होगा बराबर, तो वो जो नया सर्कल बनाया है उसका एरिया बताइए। चलो ठीक है हम उसका एरिया बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, स्टार्ट करते हैं। ओके 1 मिनट रुको, मुझे एरिया लिख लेने दो। चलो बोलो पहले वाले सर्कल को क्या ये कहना सही है, सर पहले वाले सर्कल का एरिया होगा ये बराबर,
एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, मतलब कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर इक्वल टू एरिया ऑफ द न्यू सर्कल सो फॉर्म्ड, ये नया सर्कल बराबर, श्योर हो क्या? हाँ, तो पाई यहां से कॉमन निकालिए, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल टू पाई, यहां से कॉमन निकाल के पाई पाई कैंसल, सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू रूट 100 मतलब 10, मतलब जो नया सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, जिसको हमको मिला है दोनों के दोनों सर्कल को कंबाइन करके जो कॉमन एरिया है वो मिला है। क्या ये चीज क्लियर है क्या, चेक करिए प्लीज, क्या ये चीज समझी क्या आपको, चेक करिए। अरे पक्का पक्का बताओ, समझा कि नहीं समझा, समझा है क्या? हाँ, प्रांजलि मैडम ने बिल्कुल हाँ लिखा है, तेजस ने हाँ लिखा है, ओके। रुशील बोल रहा है फिर से, रुशील ध्यान से सुनो बेटा, आपको एक एरिया दिया है जो कि है पाए इंटू एट स्क्वायर बराबर, पाए इंटू एट स्क्वायर, दूसरा एरिया दिया है पाई इंटू सिक्स स्क्वायर, दो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर लिखते हो ना, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल बराबर, वो दोनों एरिया को कंबाइन करने से जो नया एरिया आया है वो है बड़ा सा एरिया बराबर, वो बड़े एरिया जो कि मिला है दो छोटे छोटे एरिया को मिलाकर, वो बड़े एरिया का रियल में कितना रेडियस रहेगा वो निकालने के लिए हमने उसको माना आर, क्लियर। तो R जो है वो ऐसे दिया जाता है, क्लियर है के दोस्त, समझे हो? चलो क्लियर है, अमोग ने भी बिल्कुल हाथ रेस किया है, ओके थम्स अप किया है, चलो आगे चले, एक क्वेश्चन आप करोगे, चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है, करो एक क्वेश्चन करो, रेडाए ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडाई ऑफ न्यू सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस 2 circles. मतलब सेम क्वेश्चन है, बस पिछले बार एरिया का एडिशन था, इस बार सर्कमफेरेंस का एडिशन है। चलिए ट्राई करिए एक बार जल्दी जल्दी, देखिए समझा है कि नहीं समझा, चेक करिए प्लीज। अरे बाबा ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, चलो ट्राई करो, आप करो ट्राई, हाँ करो करो बिल्कुल आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 28, आयुष ने कहा है 28, आयुष जहां तक मेरा अंदाजा है बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है, दो मिनट को बाकी बच्चे को सॉल्व करने दो फिर एक बार चेक करते हैं ना, आपने बिल्कुल आंसर करेक्ट लिखा है। गौरव ने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, चलिए आखिरी 20 seconds हम फिर अपने आंसर पे चले जाएंगे, कुछ बच्चे आंसर लिख के दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं, शर्वरी ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है 28, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, भार्गव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 28,
चलिए, कुछ बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, उनके आंसर को समझते हैं कि उनने क्या किया था जिससे लॉजिक आया है उनका। चलिए चेक करते हैं, रेडाई ऑफ टू सर्कल मतलब आर वन और आर टू, ये दिया है हमको 19 और 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आगे बोला है फाइंड द रेडाई ऑफ द न्यू सर्कल, लेट द रेडाई ऑफ द न्यू सर्कल बी आर, है ना, विच हैज सर्कमफेरेंस मतलब उसका सर्कमफेरेंस और पुराने दोनों का सर्कमफेरेंस एकदम बराबर बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, पुराने वाले का सर्कमफेरेंस प्लस पुराने वाले सेकेंड सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल टू नए सर्कल का सर्कमफेरेंस। क्लियर? तो 2 पाई कॉमन निकाला तो आर वन प्लस आर टू मिला, यहां पे भी 2 पाई आर निकला, 2 पाई 2 पाई को कैंसिल किया तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू जीरो आ रहा है दोस्तों। क्लियर है क्या, आर वन प्लस आर टू जीरो नहीं सॉरी आर आ रहा है, तो 19 प्लस 9 इक्वल टू आर, आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। रुशील ने मीटर लिख दिया है गलती से, रुशील सेंटीमीटर है बेटा। क्लियर है क्या, चेक करो एक बार, क्लियर है? हाँ समझा 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 समझा, ओके। समझाए ओके, चलिए क्लियर है, आगे चले। हाँ चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। पता है आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा, हमने एक सर्कल नाम का 10th का चैप्टर है ना, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी कर दी है ना, टोटल 3 एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी कर दी इनडायरेक्टली। पर चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं मतलब ये फॉर्मेट का आखिरी, वेट करो, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सेजल लिख लो। क्या हुआ सिजल जी, चले कि नहीं चले? चले, अरे तो वेट करने बोलती तो भागने को भी तो बोलो। चलो आखिरी है ना, ये टाइप का आखिरी क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट लिखो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट रुपीज 24 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 5280, फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। चलिए ट्राई करिए थोड़ा सा, क्या लिखा है सर, आप होमवर्क कैसे देंगे? कल मैं आप लोगों का एक पूरा सेशन लूंगा जिसमें एक्चुअली कैसा होता है, देखो ये पेपर लाना पड़ता है ना, हर 3 दिन के बाद आपका पेपर सबमिशन होगा, आप लोगों को असाइनमेंट जितने भी रहेंगे एक्चुअली 2 कॉपी बनाओगे आप, एक रहेगी क्लास वर्क कॉपी है ना, क्लास वर्क, और एक रहेगी होमवर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी पूरी अलग रहेगी, हर 3 दिन के बाद सेंटर में आप सबमिट करके आओगे, जो कि वेरीफाई और चेक होके आपको वापस रिटर्न मिलेगी। क्लियर है क्या? हाँ, वो पूरी वेरीफाई होके चेक होके आपको रिटर्न मिलेगी, और हर 3 दिन में। और हम लोग संडे के संडे, जैसे हम लोग क्लास में तो डाउट लेंगे ही लेंगे है ना, क्योंकि हाँ एडमिशन ओपन है, आपको लगे तो ग्रुप में नंबर दिया है समय सर का, आप बिल्कुल समय सर से बात कर सकते हो पर्सनल नंबर पे, ठीक है? ओके ओके ओके, हाँ हम हर संडे को मिलेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, लाइव क्लास में, लाइव क्लास, लाइव क्लास मतलब ऑनलाइन नहीं, आप लोगों को सेंटर पे मिलेंगे। आपको जिस तरीके से भी लगता है, अगर आपको कोई डाउट पूछने की इच्छा है, आपको लगता है कि विजिट करके सर कोई डाउट पूछना है, तो आप 4 से 6 बजे के बीच में बिल्कुल अपने डाउट्स ला सकते हो। क्लियर? हाँ 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो हम संडे को मिलेंगे, ताकि उस हफ्ते के जो भी डाउट होंगे, नहीं ही होंगे, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम्स है, तो आप 4 बजे 6 बजे के बीच में हम पूरा संडे को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स दो तरीके से मिल सकते हैं, एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और एक मिलेगा हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, आप सेंटर से पिकअप कर सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, एडमिशन फीस से लेके सारी चीजें आपको समय से क्लियर कर देंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चार सब्जेक्ट लिए जाएंगे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, चार सब्जेक्ट। हाँ, नोट्स आप दोगे? हाँ, नोट्स मेरी तरफ से रहेंगे, नोट्स आप नहीं लोगे, नोट्स मेरी तरफ से मिलेंगे आपको पूरी तरह से, ठीक है। ओके ओके, चलो इसको करते हैं सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करें। हाँ, बुक्स मिलेंगी? हाँ, बुक्स वगैरह से लेके नोट से लेके सारी चीज निमिष हमारे तरफ से ही मिलेगी, फिक्र मत करिए। जो भी मटेरियल वगैरह रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, सारी की सारी चीजें हमारे तरफ से ही मिलेगी आपको, आपको खुद को लेने की जरूरत नहीं है। बट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जो स्कूल प्रिस्क्राइब बुक्स होती है, वो आपको लेनी है, ठीक है। जो अदर नोट्स बुक्स है या फिर अदर क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे हमारे तरफ से अवेलेबल करवाएंगे। ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं कौन सा सब्जेक्ट लेता हूँ? मैं तीन सब्जेक्ट लेता हूँ, मैथ्स, फिजिक्स और हिस्ट्री। आपने बायो वाली मैम को सुना होगा, बायो वाले मैम के मैं नोट्स वगैरह सब कुछ भेज दूंगा। बायो मैम लेते हैं फिर, है ना। ओके ओके, आप भी पढ़ाओ, नहीं सब सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता ना, हर एक टीचर के अपने अपने रोल है। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, फेंसिंग का मतलब क्या होता, चलो पहले वो क्लियर करो, फेंसिंग का मतलब क्या होता। डेमो क्लास कब खत्म हो रहे है? आज सेकेंड लास्ट क्लास है, कल आखिरी क्लास है, परसों से प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएगी, है ना, एक तारीख से प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएगी। हाँ, सर्कमफेरेंस का मतलब, सही बात है, बॉर्डर होता है या सर्कमफेरेंस होता है, अभी हमने देखा था। फेंसिंग का मतलब वो जो होता है ना, लकड़ियों की पट्टियां लगाते हैं, जैसे ये गार्डन होता है बराबर, ये जो पूरे सर्कुलर फील्ड में, ये जो पूरे सर्कुलर फील्ड में ऐसे लकड़ियां नहीं लगाते, लकड़ी 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 लगाते बराबर, बाउंड्री पे लगाते ना ये, है ना, तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं 2πr सर्कमफेरेंस बराबर। एक एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 24 रुपए, मतलब टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपने पास, इक्वल टू सर्कमफेरेंस इनटू रेट, रेट बराबर। हाँ बिल्कुल बराबर है, लिखिए प्लीज, सर्कमफेरेंस इनटू रेट, क्लियर है। सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस कितना है 2πr, रेट कितना है 24, कॉस्ट कितना है 5280, क्लियर है क्या, पक्का पक्का बताइए, चलिए बताइए क्लियर है कि नहीं है। हाँ तो ये कितना होगा 5280 इक्वल टू 2 × 22/7 × r × 24, तो ये कितना होगा बोलो, चलो कैलकुलेशन बोलो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2640 बराबर, और क्या होगा 24 से कटेगा, 1 × 24, 2 × 4 = 1 = 0, क्लियर है क्या, ये 1 × 0, ये 5 × 0, आर की वैल्यू आई है 35 मीटर, हाँ या ना, रेडियस कितना है 35 मीटर, क्या यहां तक सभी को समझा कि नहीं समझा, चेक करो प्लीज, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझा है, चेक करो, अरे समझा कि नहीं समझा, गायब हो गए क्या, जल्दी जल्दी बताओ समझा है कि नहीं समझा है, बिल्कुल। फ्लोइंग का मतलब क्या होता, फ्लोइंग का मतलब क्या होता, फ्लोइंग का मतलब क्या होता, जल्दी जल्दी बताओ, फ्लोइंग का मतलब क्या होता, फ्लो करना मतलब क्या, एरिया या सर्कमफेरेंस, फ्लो करना मतलब क्या, सर ये हमारा बैल दौड़ेगा पूरे गांव में, गांव में पूरा बैल दौड़ रहा है, बैल दौड़ रहा है, बैल दौड़ रहा है, अरे तो बैल का दौड़ेगा, एरिया में दौड़ेगा ना, बाउंड्री पे दौड़ता है बैल, हाँ एरिया, तो एरिया कैसे निकालते हैं, जब रेडियस आपको पता है, रेडियस इज इक्वल टू 35, एरिया कैसे निकालते हैं बोलो, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर,
कितना होगा 22 बाय 7 इंटू 35 इंटू 35, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बराबर। तो कितना होगा 110 इंटू 35, कितना होगा 3500 और 3850 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अगर सोचो ना आप, अगर 3500 टोटल है, ये क्या बोल रहा है, एक मीटर स्क्वायर का रेट क्या है, व्हाट इज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज एरिया इनटू रेट, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया, एरिया इज 3850, व्हाट इज रेट, रेट कितना है सर, 50 पैसे का रेट है सर, 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ या ना, अरे सही बात है कि नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा सर, ये इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 3850 इंटू 1/2, मतलब 1925 रुपीज, हाँ या ना, श्योर हो कि नहीं हो, पक्का पक्का बताओ, क्लियर है, श्योर हो, हाँ। फाइनल आंसर क्या आएगा, रुपीज 1925 पर, हाँ ये आपका टोटल कॉस्ट आपके जेब से इतना रुपए लग गया दोस्तों, क्लियर है क्या, देखो एक बार चेक करो, पक्का पक्का बता दो, समझा है कि नहीं समझा, हाँ समझा। एडमिशन के लिए किसको बात करनी है, आप ग्रुप में एक नंबर दिया है ना समय सर का, आप उनसे बात कर सकते हैं ना, समय सर से बात कर सकते हैं, देखो आपको ग्रुप में मिलेगा एक नंबर, ओके। क्या ये चीज क्लियर है, कि प्लीज चेक करके बताइए, हाँ श्योर हो, जिन बच्चों को डाउट है वो प्लीज वेट करे, जिन बच्चों को डाउट है वो प्लीज वेट करे, बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं, जिन जिन को डाउट है वो प्लीज वेट करें, बाकी सब लीव कर सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख लीजिए, भार्गव क्लासेस ऑनलाइन, तो देखिए आप मान के चलिए बेटा 15th ऑफ अप्रैल तक तो ऑनलाइन रहेगी, उसके बाद ऑफलाइन होगी, 15th अप्रैल तक ऑनलाइन रहने वाली है ना, उसके बाद ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ, ओके चलिए बाय बाय।